हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनता है, तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई करिए अपने घर पे। मुश्किल से इसमें 10 मिनट लगता है और बहुत ही कम सामान यूज होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कढ़ाई, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ऑयल और घी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अब इसके लिए मैंने डेढ़ प्याज और एक टमाटर और एक हरी मिर्च काट लिया है छोटे छोटे। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज को हम थोड़ा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे। इसे चलाते रहेंगे कि ये जले ना। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च। अब हम इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे, जिससे टमाटर अच्छे से प्याज में मिक्स हो जाए, पक जाए। टमाटर को जल्दी पकने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिए। मैंने इसमें 1 स्पून नमक ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकाऊंगी कि टमाटर इसमें मिक्स हो जाए। आप इसे चलाते भी रहिए, वरना ये जल भी सकता है। टमाटर हमारा पक गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर 1/2 स्पून, और 1/2 स्पून मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला। गरम मसाला मैं मोस्टली वही यूज़ करती हूँ जो मैं अपने घर पे खुद बनाती हूँ। और मैंने इसमें ऐड किया हल्दी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारे मसाले पक रहे हैं, तो अब मैं पनीर, मैंने इसमें 400 ग्राम लिया है और इसे अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। पनीर हमारा मैश हो गया है। अब मैं इस पनीर को, जो ये पेस्ट है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी। आप देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। मैंने इसमें ऐड कर दिया पनीर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। इसे आप लो फ्लेम पे ही बनाइए। लो फ्लेम पे ये अच्छे से पक जाएगा और जलेगा भी नहीं। और आप इसे ढक करके अच्छे से बनाइए। इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। आप देखिए मेरा पनीर भुर्जी बस रेडी हो रहा है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनता है। कभी भी आपको कुछ ज़्यादा ऐसा बनाने का मन नहीं हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम हमारा पनीर भुर्जी रेडी है, हम इसे सर्व करेंगे। तो मैं पनीर भुर्जी सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पनीर भुर्जी पूरी तरीके से रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप जरूर इस टाइप से एक बार ट्राई करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टू माई यूट्यूब चैनल। प्लीज
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। बाय बाय।